रहेगा इसमें अमूल बटर। क्या आवाज आ रही है भैया। ये सामने किचन है और ये हमारी थाली लग के तैयार है, जिसका प्राइस है सिर्फ 120 रुपए। इस थाली में आपको मिलेंगे राइस और बटर चिकन एंड मसाला चिकन, ये सैलेड और रायता, और साथ में मिलेगी आपको एक तंदूरी रोटी एंड लच्छा पराठा। ठीक है क्या भैया, प्याज टमाटर का स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल रोहतक फूड ब्लॉगर में। तो आज हम आए हैं हुड्डा कम्प्लेक्स कुछ नॉनवेज ट्राई करने। एक्चुअली काफी रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि रोहतक के अंदर बेस्ट नॉनवेज कहाँ मिलता है, तो बस उसी की सर्च में हम आ चुके हैं हुड्डा कम्प्लेक्स में। यहाँ आए हैं फूड मास्टर पे और हमने सुना है कि यहाँ पर मिलते हैं 120 रुपए की नॉनवेज थाली। लेट्स ट्राई, देखते हैं कैसे तैयार होती है, कैसे बनती है और कैसा टेस्ट है यहाँ का। चलिए तो अब हम आ चुके हैं फूड मास्टर जो कि है हुड्डा कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ अब हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की चिकन थाली। तो ये अब हमारी तैयारी हो रही है, चिकन थाली की तैयारी हो रही है। आई थिंक रोहतक में कहीं पर चिकन थाली नहीं मिलती। इसके अंदर हमारा अभी तो चिकन का पेस्ट है, प्याज एंड टमाटर का पेस्ट जा चुका है, जो अभी प्रिपेयर हो रहा है हमारा बटर चिकन थाली के लिए हमारी। और ये हमारा क्या लगता है, क्या कलर आ रहा है बटर चिकन का और क्या खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। ये यहाँ की छोटी सी किचन है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरी सी किचन है। और ये हमारे जो ललित भैया हैं जो तैयार कर रहे हैं हमारी प्लेट, चिकन प्लेट। और ये हमारी चिकन थाली के लिए लग रहा है मसाला चिकन। और ये इसमें अमूल बटर। क्या आवाज आ रही है भैया, टाइमिंग क्या वैसे भैया यहाँ पे कितने से कितने बजे तक? सुबह 11 से शाम 11। अच्छा, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को। ये हमारा लग रहा है मसाला चिकन। प्याज टमाटर का वो मसाला डाल रहा है, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है चिकन। क्या भैया, रोगन? अच्छा, रोगन डालते हो इसमें। ये रोगन भैया किस चीज़ का तैयार होता है रोगन? ये हम जब गरम मसाला बनाते हैं ना। अच्छा, और ये गई हमारी अमूल की क्रीम। क्या कर रहे थे भैया, ये जैसे गरम मसाला बनाते हैं उसके बाद इसका रोगन निकाला जाता है। ये तैयार हो गया हमारा मसाला चिकन। वाओ यार, मतलब इट्स लुकिंग सो यम्मी एंड डिलीशियस यार, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा इसको खाने में, सब पेट नहीं हो रहा। भैया अब क्या रह गया थाली में, क्या लगना रह गया? और ये लगने जा रहे हैं हमारे राइस थाली के लिए जो ऑलरेडी बॉइल्ड है। मतलब सिंपल राइस देंगे इसको फ्राई करेंगे आप? सिंपल राइस अच्छा अच्छा जो आप वेज थाली। अच्छा, यहाँ पे वेज भी मिलता है, अगर आपको यहाँ पे वेज खाना है वो भी मिलेगा, अगर आपको नॉनवेज खाना है तो नॉनवेज भी मिलेगा आपको।
ये सामने किचन है और ये हमारी थाली लग के तैयार है, जिसका प्राइस है सिर्फ 120 रुपये। इस थाली में आपको मिलेंगे राइस और बटर चिकन एंड मसाला चिकन, ये सैलेड और रायता, और साथ में मिलेगी आपको एक तंदूरी रोटी एंड लच्छा पराठा। ये जो थाली है 120 रुपये की है और वर्थ इट है। अगर मैं बात करूँ, एक बंदा अपना पेट आराम से फुल भर सकता है 120 रुपये में। ये नॉनवेज थाली, चिकन थाली है, ये देख रहे हैं, ये है हमारा बटर चिकन, क्या थिक ग्रेवी है। और ये है मसाला चिकन। चलो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं यहाँ का बटर चिकन। पहले हम यहाँ की ग्रेवी चेक करते हैं। रोहतक के अंदर ऐसी नॉनवेज थाली मैंने कभी नहीं खाई। अगर आपने खाई है तो मुझे जरूर बताना कि कहाँ पर ये 120 रुपये में नॉनवेज थाली आपको मिलती है। लेट्स टेक ए बाइट विद चिकन मसाला एंड लच्छा पराठा। ये हमारा चिकन मसाला, क्या यम्मी डिलीशियस लग रहा है, बहुत मज़ा आ गया सही में। आप सारे अशोका रोहतक में अशोका चौक पे जाते होंगे, खाते होंगे। ये थोड़ा अशोका चौक से थोड़ी सी दूर है, बट एक बार ही जरूर आइए और ट्राई करिए और मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ का डिश कैसा लगा। 120 रुपए में पूरा पैसा वसूल खाली है। ये है संदीप जी जो फूड मास्टर को रन कर रहे हैं। तो भैया आपकी टाइमिंग क्या है, एक तो ये बता दीजिए हमें। स्टार्टिंग टाइमिंग है 12 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं रात के 11 बजे। ओके, तो लंच डिनर मतलब दोपहर 12 बजे से लेके रात को 11 बजे तक आप लंच डिनर, और यहाँ पर वेज के साथ आप नॉन वेज भी खा सकते हैं। इसका एग्जैक्ट एड्रेस है हुड्डा कॉम्प्लेक्स में, नियर BSNL एक्सचेंज और BJP का ऑफिस है जो, उसके पास में आएंगे तो आपको फूड मास्टर शॉप नंबर क्या है 128 टॉप नंबर 128 फूड मास्टर, यहाँ पर आप जब भी आए तो यहाँ की जो थाली है चिकन थाली जरूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कमेंट में कि आपको यहाँ की थाली कैसे लगी। आई हैव डन विद थाली। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करूँ तो यू कैन कम एंड ट्राई और मुझे भी बता सकते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन या रिव्यू दूँ तो फूड वाज गुड, नॉट अप टू जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन थी। बाकी आप यहाँ पर आइए और ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ का खाना या यहाँ के चिकन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फूड व्लॉग में।